ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानन्दाय परम गुरुम् ॐ गुरु ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान ज्ञान के साधनों में अहंकार के अभाव का और वैराग्य का कथन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन इंद्रियार्थेषु वैराग्यः मनहंकारयेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु इस लोक के इंद्रियों के सुख और परलोक के इंद्रियों के समस्त भोग वैराग्यम उनमें आसक्ति का अभाव अनहंकार अहंकार से रहित जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और शरीर में और मन में आने वाले रोग और दोषादि में अनुदर्शनम। अनुदर्शनम मतलब बस उसको सदा साक्षी में देखते रहना, ध्यान में देखते रहना, उनसे प्रभावित नहीं होना। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में किसी प्रकार की कोई आसक्ति आकर्षण न हो और अहंकार का भी बिल्कुल अभाव हो जाए और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि रोग आदि में दुख और सुख का अनुभव न करके उनको दोष ऐसा मानकर उनका साक्षी से दर्शन करते रहना, उनको अलग हटके देखते रहना। इस श्लोक का ये शाब्दिक अर्थ है। सच्चिदानंद परमात्मा जब सतगुरु के रूप में आपके सामने आते हैं, आप उनको मनुष्य रूप में देखकर सबसे बड़ी गलती करते हो। भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ और राम के साथ भी ऐसा हुआ।
कहां पहचाना कृष्ण को किसी ने? कोई ग्वाला कहता था, कोई छलिया कहता था, कोई जन्मजात चोर कहता था, कोई इतने सारे विवाह करने के कारण कोई कामुक समझता था, रुक्मणी का अपहरण करने के कारण कोई उन्हें अपहरण करता समझता था, पांडवों को अपने पक्ष में रखकर और उनसे युद्ध लड़वाने के कारण कोई उन्हें कुटिल राजनीतिज्ञ समझता था, लेकिन सतगुरु किसने समझा, किसने जाना? ये बहुत बड़ी मूल में भूल हो जाती है कि जब कोई सतगुरु आता है तो वो अनंत ब्रह्मांड और अनंत आकाश गंगाओं में से उनका एक सत्व रूप, उनका एक केंद्रीय तत्व उस सद्गुरु के रूप में तुम्हारे सामने आता है और तुम अपने सांसारिक पैमानों से सद्गुरु को अपने से भी गया बीता समझकर उसके आने की अवहेलना करते हो। यही कारण है कि इस संसार में बहुसंख्यक लोग अंधे हैं। बहुसंख्यक ना कहे कि मैं कहूंगा अति बहुसंख्यक। भगवान सद्गुरु इसी गीता में कहते हैं कि योगिना नाम सहस्त्रेषु, हजारों योगियों में से कोई एक मुझे तत्व से जानता है। रामचरित मानस कहता है उत्तरकांड में कोटि विप्रमह कोई सम्यक ज्ञान लखे कोई कोई। इस ज्ञान को जानना इस जीवन की ही नहीं बल्कि अनंत अनंत जीवनों की उपलब्धि है। आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। भगवान यहां से शुरू करते हैं कि तुम जो इंद्रियों के सुखों में लालायित हो, अरे जिस व्यक्ति को परमात्मा की ओर जाने की ललक और प्यास होती है उसके सामने इस पृथ्वी की सबसे कीमती कीमती वस्तुओं को रख दिया जाए और कहा जाए कि लो उसमें मजा लो। उस व्यक्ति के सामने कुबेर का खजाना उड़ेल दिया जाए, उस व्यक्ति के सामने स्वर्ग की अप्सराएं लालायित होकर आ जाएं, लेकिन वो व्यक्ति उसमें आसक्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। अर्जुन तो स्वर्ग तक गए थे। महाभारत कहती है कि अर्जुन स्वर्ग तक गए थे और स्वर्ग की अप्सरा से तक प्रेम हुआ था, लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं हुए। आसक्त होना यानी लैला मजनू जैसा हो जाना, जैसे आजकल के लोग सल्फास खा के मर जाते हैं सड़ी सी बात के लिए। आसक्त होने का मतलब ऐसा है कि बस तुम्हारी चेतना पूरी की पूरी उसमें फंस गई, अब चेतना नहीं निकल सकती, तुम टूट जाओगे। ऐसा जो आसक्ति का अभाव है उसको वैराग्य कहा है। वैराग्य को समझो। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़कर
भगवा वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनकर परिवार और समाज को छोड़कर निकल गए, ये वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य के आउटलाइंस है। लेकिन वैराग्य तो क्या है, जब तुम्हारे सामने इस संसार की पोल खुल जाए, जब तुम इस बात को समझ जाओ कि क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा बतासा, पल में तोला पल में माशा, दुनिया देती बुरी दिलाशा, प्यारे तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल, सोहम बोल शिवोहम बोल तेरा क्या लगता है मोल। ये जीवन परमात्मा को पाने के लिए है, ये जीवन पानी में पड़ा हुआ बताशे के समान है, एक पल में गल जाएगा। इसके पहले कि ये जीवन जाए, तुम परमात्मा में जाग जाओ, ऐसा कोई भाव अगर पैदा होता है अंदर और ऐसा कुछ लगता है कि जगत एक नश्वर सा लगता है, जब ऐसा लगे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जैसे सपना नींद का ऐसा है संसार, जब ऐसा लगे कि मोहनिशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जब ऐसा लगे और सही में लगे, तब हम कहेंगे कि ये वैराग्य है, ये आसक्ति का अभाव है। जगत से कोई आशा नहीं रखना, जगत आपको कुछ दे नहीं सकता, आपका समय बिगाड़ देगा, आपको कुछ नहीं दे सकता। जगत एक कालनेमी है, जगत के गुरु भी कालनेमी है, आपको व्यर्थ की उपासना पद्धति में फंसाकर आपको ध्यान से और आपको अपने आप को जानने से वंचित कर देते हैं। आखिर इस गीत में कितनी प्यारी बात कही है कि जब जम फांस गले में डारे, जब मृत्यु का समय आ जाए, जब जम फांस गले में डारे, सुत पितु मातु ना कोई उबारे, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी माता तुम्हारे पिता तुम्हारे रिश्तेदार कोई तुम्हें बचा नहीं सकते हैं मृत्यु से, घर के बाहर तुरत निकारे, वो जो घर जिससे तुमने जिंदगी भर की मेहनत करके बनाया था उसके बाहर तुमको निकाल के और बांस की दो बांस की टटियों पर सीढ़ी पर तुम्हें वहां रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि करके नगन तेरो तन जारे, जब तुम मरते हो तुम जलाए जाते हो तो तुम्हारे नाक कान में से जो सोने के गहने हैं वो भी निकाल लिए जाते हैं, हाथों के गहने भी निकाल लिए जाते हैं, चेन इत्यादि भी सब निकाल ली जाती है, और क्या करते हैं तुम्हें नंगा करके जलाते हैं, नग्न करके जलाते हैं, करके नगन तेरो तन जारे, प्यारे तब खुलेगी प्रेम की पोल, सो हम बोल शिवो हम बोल, सो हम बोल शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल। अरे प्यारे, तू जो सोच रहा है ना कि दुनिया में लोग तुझसे प्रेम करते हैं तब तेरे प्रेम की पोल खुल जाएगी,
कोई तुझसे प्रेम नहीं करता बेटा, सब अपने मतलब से प्रेम करते हैं। कोई तुझसे प्रेम नहीं करता बेटा, सब अपने अहंकार से प्रेम करते हैं। इसलिए ये भाव, ये समझ, ये ज्ञान तुम्हें यदि हो जाए कि ये संसार किसी भी काम का नहीं है, ये नींद का सपना है, तब जानना कि तुम्हें वैराग्य हुआ है। और जब तुम्हें इस संसार के समस्त भोगों और कल्पना के और भी समस्त भोगों, परलोकों के भोगों से आसक्ति ना हो, कोई आकर्षण ना बचे, तब तुम समझना कि तुम ज्ञान के उत्तराधिकारी हो। हम अभी तुम्हें ज्ञान के उत्तराधिकारी बनाने के लिए ये सारे प्रवचन, ये सारा ध्यान सब कुछ कराते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो ज्ञान का उत्तराधिकारी होता है वो स्वतः ही अहंकार से रहित इसलिए हो जाता है कि वो अहंकार किसका करे, किस चीज का अहंकार करे। ये शरीर तो पंचभूतों का बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। ये पांच तत्व का शरीर तुम्हारा हो नहीं सकता, कारण ये कि तुम तो इसमें किराएदार हो, ये तुम्हारा मकान नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई मालिकाना हक नहीं है। अभी हाथ पैर में लकवा मार जाए तुम कुछ नहीं कर सकते, अभी छींक आ जाए तुम रोक नहीं सकते, अभी डेंगू का छोटा सा मच्छर खा ले तुम उसको रोक नहीं सकते, डेंगू होने से रोक नहीं सकते, अभी कहीं तुम्हारे शरीर में विकृति और कैंसर हो जाए तुम रोक नहीं सकते। इस शरीर पर तुम्हारा ना कोई कंट्रोल है, ना कभी था, ना हो सकता है। तुम्हारे बाल सफेद हो गए तुम रोक ना पाए, तुम्हारे दांत गिर गए तुम रोक ना पाए, तुम जवान से बूढ़े हो गए तुम रोक ना पाए, तुम बच्चे से जवान हो गए तुम रोक ना पाए। ये शरीर को तुम रोक नहीं सकते हो, इसलिए काय का अहंकार, शरीर से काय का अहंकार। ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, कबीर साहब ने भी कहा है कि चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया जीनी रे जीनी। एक महान संत ने एक गीत लिखा, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले, नारायण बोले के जिसमें नारायण बोले, बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंभा, इस बंगले के 10 दरवाजे बीच पवन का खंभा, आवत जावत कोई नहीं जाने, आवत जावत कोई नहीं जाने, सबसे बड़ा अचंभा इसमें नारायण बोले। ये 10 इंद्रियों का शरीर, ये 10 दरवाजों का शरीर, इस पर कभी अहंकार मत करना, ये तुम्हारा नहीं है।
इस शरीर में जो मन है वो तुम्हारे मस्तिष्क के तंतुओं की और तुम्हारे पुराने जन्मों का पुराने जन्मों की प्रतिक्रिया है, वो तुम नहीं हो। वो तो सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक हार्ड डिस्क है, तुम नहीं हो। तुम किस पर अहंकार करते हो? अगर तुम मन पर अहंकार करते हो तो मन से ज्यादा गंदी तो कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। तो गंदगी पर कोई अहंकार करता नहीं। तुम बुद्धि पर अहंकार यदि करते हो तो बुद्धि जैसी चतुर और छलने वाली कोई चीज दुनिया में है नहीं। एक खोपड़ी में घूसा पड़ जाए, बुद्धि गायब हो जाती है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। तुम अगर चित्त पर विश्वास करते हो तो चित्त को तुम जानते भी नहीं हो। चित्त पर अहंकार कैसे करोगे? चित्त पर भरोसा कैसे करोगे? चित्त तो पीपल के पत्ते की तरह डोलता ही रहता है। इसलिए जो जिज्ञासु होते हैं वो न केवल लोक और परलोकों के सुखों पर आसक्त नहीं होते बल्कि वो अहंकार भी नहीं करते और सतगुरु की बात को बिना अहंकार के सुनने से ही वो बात अंदर जा सकती है। तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे पूर्वाग्रह, तुम्हारे विकल्प के तरह सतगुरु से ज्ञान नहीं मिला और किसी से ले लेंगे, ये तुम्हारे गले की फांसी बन जाती, तुम्हारी संभावनाओं को धूमिल कर देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि यदि तुम साक्षी के ध्यान को ठीक तरह से करोगे तो तुम जन्म मृत्यु जरा इन वृद्धावस्था और शरीर में होने वाले अनेकों रोग और द्वेषों में मैं और मेरापन न जोड़ पाओगे, उसको दृष्टा भाव से देख लोगे और देखना दर्शन है। और दर्शन कहते हैं भगवान के दर्शन हो गए, यही दर्शन तुम्हें परमात्मा के बोध तक ले जा सकता है। इसलिए जब दृष्टा में खड़े होकर इंद्रियों की कार्यप्रणाली को जब तुम देखोगे और उसके संचालक मन को तुम जब देखोगे और मन की नियंत्रक बुद्धि को तुम देखोगे और शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जहां पर सूक्ष्म रूप से स्थान पाती हैं, आधार पाती हैं, उस आधार रूपी चित्त को तुम देखोगे तो इस देखने मात्र से तुम्हारा राग, तुम्हारी आसक्ति इनसे ऐसे चले जाएगी जैसे नींद से जागने पर सपना चला जाता है, जैसे अपने फटे पुराने वस्त्रों को देखकर उन्हें फेंककर दूसरे मनुष्य पहन लेता है, ऐसे तुम इनके प्रति राग और इनके प्रति तुम्हारा संबंध समाप्त हो जाता है। उनका जो विभत्स रूप है मन बुद्धि चित्त का और घृणित रूप है उसको देखकर, अपने में से उसको अलग देखकर जिज्ञासु उनसे हटकर जीने लगता है, उनसे हटकर जीने लगता है। प्यारे मित्रों, कपड़ा पहनने से वैराग्य नहीं होता। मन बुद्धि चित्त और शरीर से हटकर जीना यह वैराग्य है। साक्षी जब पक जाता है, साक्षी जब संपूर्णता में आ जाता है तब वैराग्य का प्रारंभ अपने आप हो जाता है। तब आप कपड़े बदलो या ना बदलो, आप भगवा कपड़े पहनो या आप पैंट शर्ट पहनो, साक्षी की जो पूर्णता है वो ध्यान का उच्च स्थैर्य का प्रारंभ देती है। जब आपकी साक्षी पूरी होती है तो ध्यान की स्थिरता प्रारंभ हो जाती है।
और अहंकार का जो आचरण है, अहंकार का जो आवरण है, अहंकार की जो मौजूदगी है, अहंकार की जो भ्रांति है, अहंकार का जो कारागृह है, वो ध्यान करने से धीरे धीरे गलने लग जाता है, टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। और जब ध्यान पकता है और निरंतर ध्यान किया जाता है, तो अंत तो गत्वा क्या होता है कि आदमी साधक निरंकार स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसको कोई अहंकार नहीं होता। वो जड़ और चेतन के पृथक पृथक दर्शन को कर लेता है, जान लेता है, सत्य और असत्य का निरूपण कर लेता है, नीर और क्षीर का विवेक कर लेता है, हंस हो जाता है। और इस हंसत्व में एक ऐसी तटस्थता आ जाती है, वो एक तटस्थता में खड़ा हो जाता है, एक समता में खड़ा हो जाता है, वो समता में खड़े खड़े जीने लग जाता है, वो समता में खड़े रहकर जीवन के समस्त काम करता है, वो समता में खड़े रहकर ही लोगों से बात करता है, ऑफिस में काम करता है, घर में रहता है, सब कुछ समता में करता है। इस समता को प्राप्त करने की स्थिति, अपने आप को तैयार करना है कि सद्गुरु अब तुम पर कृपा कर सकते हैं। इस समता में जब तुम जीने लग जाओगे तो सद्गुरु अपनी कृपा से तुम्हें बोध करा सकते हैं। प्यारे मित्रों, इस समता तो तुम्हें ही प्राप्त करना हो। भोजन दिया जा सकता है लेकिन चबा के तुम्हें खाना पड़ेगा। बिस्तर लगाया जा सकता है लेकिन नींद तुम्हें लेना होगा। सद्गुरु सिर्फ इतना कर सकते हैं कि तुम इस समता में खड़े हो जाओ, तब सद्गुरु का जो परम अनुग्रह है, परम कृपा है, वो तुम्हें स्वरूप का बोध कराती है। लेकिन ध्यान की उस अवस्था में जहां जिज्ञासु अपनी दृष्टि से सारी निरर्थक और जड़ और नश्वर भ्रांतियों को देख लेता है, तो जन्म मृत्यु, जन्म भी हो उसको भी देखता है, मृत्यु हो उसको भी देखता है। हमारे सामने कागभूषण जी का उदाहरण है। जब भगवान कागभूषण भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर जप कर रहे थे, उनके गुरु आए और वो खड़े नहीं हुए, तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि दुष्ट गुरु के आने पर उनको प्रणाम नहीं करता है, अजगर की तरह बैठकर मेरा जाप कर रहा है, जा अजगर हो जा। और हजार हजार जन्म से गुजर जा, भगवान का श्राप जब गुरु ने सुना तो वो कांप गए और मेरा शिष्य, मेरा प्रेमी, गुरु बड़े दयालु होते हैं, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि गुरु तो दयालु है लेकिन अस्तित्व का एक नियम है, वो सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन गुरु की अवज्ञा सहन नहीं करता, वो तुम्हारे अंदर ही है। और तुम बेहतर जानते हो कि तुम गुरु की अवज्ञा कर रहे हो कि गुरु का पालन कर रहे हो, ये तुम जानते हो, तुम्हें पता है और अस्तित्व को पता है। इसलिए यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम्हें अपने सदगुरु की कभी अंदर से अवज्ञा नहीं करना है, क्योंकि अगर अवज्ञा करोगे तो जन्म और मृत्यु का दर्शन न कर कर दोष दर्शन करने लग जाओगे। तो फिर जब कागभूषण जी के गुरु ने प्रार्थना की भगवान से, और भगवान से कहा
कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे निराकार ओंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीश। इस प्रकार से स्तुति की भगवान की, और कहा के तब माया बस जीव जड़ संतत फुरई भुलान तहीं पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अब इस जीव को और क्या सजा दोगे प्रभु, जो तुम्हारी माया के बस में जड़ हो गया है चेतन से, ये अहिल्या की तरह पथरा गया है और अपनी वास्तविक अवस्था को भूलकर जन्म और मरण में घूम रहा। तब फिर कार्मसुन जी को भगवान ने यह वरदान दिया कि जन्म और मरण तो होगा लेकिन उसको तुम जानने वाला तुम्हारा बचा रहेगा, तुम जानते रहो। इसलिए कोई मुझसे कहता है कि मेरा मोक्ष कब होगा, मुझे कब प्राप्त होगा, मैं कहता हूं चिंता मत करो, इस जन्म में प्राप्त हो तो ठीक है, नहीं अगले जन्म में प्राप्त हो तो ठीक है, चिंता मत करो। जब मैं मिल गया हूं तो कोई चीज असंभव नहीं है। अगर तुम साक्षी में एक एक चीज को देखना शुरू कर दोगे, एक एक क्षण को देखना शुरू कर दोगे, तो दृष्टा तुम्हारा जैसे जैसे मजबूत होगा, जैसे जैसे तुम इस जगत से हटकर जगत को और अपने आप को देखने लग जाओगे, तब क्या स्थिति बनेगी कि तुम तुम्हारी मृत्यु को भी देख सकोगे। और मृत्यु को देखना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है तुम्हारा जन्म ही ना हो। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और अपनी जरा का मतलब वृद्धावस्था भी होता है, और जरा का मतलब होता है अपने अंदर मौजूद जो कमजोरियां हैं उनको, अपने अंतःकरण के अंदर जो मौजूद कमजोरियां हैं, एक एक कमजोरी को साक्षी के द्वारा देखते जाओ और उनको अपने पर हावी मत होने दो। और जन मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये जो दुख आते हैं जीवन में, दुख आते हैं, सुख आते हैं, ठंड आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, वसंत आता है, तरह तरह के मौसम आते हैं, बादल होता है, हाथ पैर दुखते हैं, कभी कुछ होता है, कभी बरसात के मौसम में कभी कभी सर्दी जुकाम होते हैं, बुखार आता है, पीलिया होता है, डायरिया होता है, जितना भी जो कुछ हो उसको साक्षी से देखो, सिर में दर्द, पैर के में दर्द, घुटने में दर्द, सब कुछ साक्षी से देखो, और ये सारे दोष हैं, शरीर के दोष है, तुम्हारे नहीं है, मानसिक परेशानी मन के दोष है, तुम्हारे दोष नहीं है, बुद्धि से कोई गलती हो गई तुम्हारे दोष नहीं है, बुद्धि के दोष है, बुद्धि कुछ भूल गई, तुम नहीं, तुम तो भूल नहीं सकते, बुद्धि एक उपकरण है, बुद्धि का दोष है। इन सब में अनुदर्शन करना, अनु शब्द बहुत प्यारा है, अनु मतलब है कि बिल्कुल सजगता पूर्वक इन दोष इन रोगों को देखते रहना, इन मानसिक रोगों में कोई राग नहीं रखना। काम एक मानसिक रोग है, क्रोध भी एक मानसिक रोग है, लोभ भी एक मानसिक रोग है, मोह भी एक मानसिक रोग है, इनमें जीकर सजगता पूर्वक इनसे अनासक्त होकर इनसे हटकर जीना, ये जान लेना ये सब अज्ञान के अंग हैं। ये सारा जगत इन्हीं से भरा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष इन्हीं से भरा हुआ है। इन सब को देखकर धीरे धीरे स्वयं की तरफ आत्म आत्म तत्व की ओर खसकते चले जाना, अपनी आत्मा जागरण की यात्रा में लगे रहना, इसको दर्शन कहते, देखते जाना साक्षी के माध्यम से, देखते जाना देखते जाना। अभी मुझे बहुत प्यारा वचन याद आया गुरु गोविंद सिंह जी का, उन्होंने कहा कि मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा, ये जगत एक तमाशा है। देखो, उनने भी देखने की बात कही, साक्षी की बात कही।
दुनिया के समस्त ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को उठा के देख लो, सबने एक स्वर में एक ही बात कही है। इसी को दर्शन कहते हैं। ये तुम्हारा दर्शन शास्त्र जो तुम कॉलेजों में पढ़ाते हो वो दर्शन शास्त्र नहीं है, उसका नाम बदल दो, वो विचार शास्त्र है, वो विश्वास शास्त्र है, वो फंसाने वाला शास्त्र है, वो दर्शन शास्त्र नहीं है। दर्शन तो वो जिसने अपने अंदर मौजूद इन जन्म मृत्यु जरा व्याधि मन बुद्धि चित्त अहंकार को देख लिया और इनसे हट गया और शेष जो बचा हुआ परमात्मा है उसमें जीने लगा, ये दर्शन है। परमात्मा आपके जीवन में इस दर्शन की घटना को घटित करे, और मेरा आपके प्रति यही आशीर्वाद और प्रेम है। आप चिंता न करना, मैं आपके साथ हूं, था और रहूंगा। शुभम।